महिला वर्कर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आशा वर्कर यूनियन की ओर से करनाल के कमेटी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आशा वर्करों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े नेताओं ने भी आशा वर्कर यूनियन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आशा वर्कर को बातचीत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, परंतु बाद में समय नहीं देते, जिससे उनकी लंबित मांगे लंबे समय से लटक रही हैं, जिसके रोष स्वरूप सभी ट्रेड यूनियन जो हड़ताल पर है उनका समर्थन करते हुए आशा वर्कर यूनियन द्वारा करनाल के कमेटी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही कमेटी चौक पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनकी बातों की तरफ गौर नहीं कर रहे हैं एवं आशा वर्कर को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने आह्वान करते हुए कहा कि सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों को मान ले, अन्यथा उनको आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। महिलाएं बड़ी संख्या में कमेटी चौक पर धरने पर बैठी रही एवं नारेबाजी करती रही। क्योंकि ये मुख्यमंत्री का एक तजर्बा बना लिया इसने कि कोई भी संगठन आंदोलन करता है इकट्ठे होकर करनाल में आते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी आते हैं, उनको एक बहाना दे दो कि प्रशासन के माध्यम से एक चिट्ठी पकड़ा दो कि आपको फला दिन के लिए आपकी बातचीत का निमंत्रण है, आप फला दिन बातचीत करके करने के लिए आ जाइए। भीड़ जली जाती है, भीड़ जाने के बाद मुख्यमंत्री उस दिए हुए समय को कभी बातचीत नहीं करते, फिर दोबारा से भीड़ जुटानी पड़ती है, सालों साल बाद, छह महीने बाद फिर मुख्यमंत्री जी एक चिट्ठी पकड़ा देते हैं कि दोबारा इस डेट को बातचीत के लिए आइए। यूं कह दे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नंबर एक का झूठा है, ये कतई अविश्वास के काबिल नहीं, वो नहीं है तो हम मान के यहां से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि यही प्रशासन मुख्यमंत्री का दिया हुआ समय लिख कर हमें देता है और मुख्यमंत्री उसके बाद कहता है कि बातचीत के लिए समय नहीं। हम कहना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री को हमारे से बात करने के लिए समय नहीं, आने वाले समय में जब इसको जरूरत पड़ेगी वोटों की, तब हम भी कह देंगे कि आपको सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, आपको वोट देने के लिए हमारे पास समय नहीं। ये सरकार इन कर्मचारी मजदूरों के हक में अपना काम करे, नहीं तो ये सरकार के खिलाफ किस प्रकार अभी बढ़ोतर चुनाव में इस सरकार को धूल चटाइए, आने वाले समय में इस सरकार का नाम लेवा नहीं बचेगा, ये वही पड़ी खड़ी हो जाएगी जहां 10 साल पहले 7 साल पहले इसकी संख्या ढाई का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाती थी। हम आज कहना चाहते हैं कि केवल पूंजीपतियों की वोटों से सरकार नहीं बन सकती, वोट सरकार बनाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.